का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी होने वाला है। आए दिन एलियंस की खोज के बारे में खबरें आती रहती है। इन्हीं में से एक खबर यह भी है कि क्या एलियन कर रहे हैं हमारी धरती की निगरानी। क्या कभी आपने यह सोचा है कि हमें भी कोई एलियंस ऊपर से देख रहा होगा और हमारी निगरानी, हमारे चाल चलन और तौर तरीके, रहन सहन, संस्कृति, यातायात संसाधन, आधुनिक युग की एडवांस टेक्नोलॉजी देख रहे होंगे। लेकिन अब आपके मन में सवाल यह भी आ रहा होगा कि हो सकता है कि धरती पर मौजूद मानव की एडवांस टेक्नोलॉजी से बेहतर हो सकती है एलियंस एडवांस टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, हार्वर्ड के वैज्ञानिक और पेंटागन के एक अधिकारी द्वारा लिखित एक मैन्युस्क्रिप्ट में आशंका जताई है कि हमारे सौर मंडल में एक एलियन अंतरिक्ष यान मौजूद हो सकता है। यह यान डंडेलियन बीज के माध्यम से डेटा एकत्र कर और प्रसारित कर रहा है। यह अपने क्षेत्र के आसपास के जगहों का जांच कर रहा है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि हम मनुष्य ग्रहों का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष यान का उपयोग करते हैं। इस ड्राफ्ट के टाइटल का नाम था फिजिकल कंस्ट्रेंट अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमिना। इसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खगोलविद एवी लोएब और पेंटागन के AARO के डायरेक्टर सिंह एम कर्कपैट्रिक द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित किया गया था। एवी लोएब की ओमुआमुआ के स्टडी के लिए जाने जाते हैं। ओमुआमुआ हमारे सौर मंडल से होकर गुजरने वाली पहली ज्ञात अंतरतारकीय वस्तु है। इसे पहले एक धूमकेतु समझा गया था, लेकिन लोएब ने अपने अध्ययन में पाया कि यह कुछ और नहीं बल्कि एक एलियन स्पेसशिप है। एक इंटरस्टेलर उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के बाद से उन्हें इसके जांच के लिए प्रेरित किया गया था, जिसे IM2 के रूप में जाना जाता है, जिसका आकार लगभग 3 फीट यानी कि 1 मीटर है, जो ओमुआमुआ के हमारे ग्रह के करीब पहुंचने से 6 महीने पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 7 मार्च को पब्लिश इस पेपर में लेखकों ने आशंका जताई कि रहने योग्य इस ग्रह पर विशेष रूप से अंतरिक्ष हवा और पानी में चलने वाली एलियन स्पेसशिप। बड़े दूरी से ये एलियन पृथ्वी, शुक्र और मंगल की जांच के लिए आकर्षित हुए होंगे, लेकिन ध्यान से देखें तो पृथ्वी पर मौजूद वनस्पति और पानी के कारण इसके प्रति ज्यादा आकर्षित हुए होंगे। हालांकि यह एक आधिकारिक पेंटागन दस्तावेज नहीं है। मसौदा रक्षा विभाग यानी DOD के सहयोग से तैयार किया गया था। इसकी अभी तक सहकर्मी समीक्षा नहीं की गई है। पेपर में बताया गया है कि एलियंस शायद पृथ्वी पर उपनिवेशक बनने के लिए हमसे मिलने आना चाहते हैं या बस हमारा अध्ययन करना चाहते हैं। लेखकों का कहना है कि उनके यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, वास्तविक अध्ययन के बाद ही उसे भेजने वाले के ब्लूप्रिंट का पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, एलियंस के बारे में आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि एलियंस है? यदि है तो हमें क्या वह देख रहे होंगे? क्या एलियंस हमारे लिए खतरा बन सकते हैं या एक नई दुनिया के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगले ब्रह्मांड के रोमांचक रहस्यमयी वीडियोज के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बी केयरफुल।